गवर्नर सत्यपाल मलिक ने 9 फरवरी को राजभवन जम्मू में WAPCOS लिमिटेड की टीम के साथ स्मार्ट मोबिलिटी इन अर्बन एंड हिली एरियाज थ्रू रोपवेज की अमलावरी के सिलसिले में मुनक़दा एक मीटिंग की सदारत की। WAPCOS लिमिटेड मरकजी वजारत आबी जखायर रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजनोवेशन है, जिसकी सरबराही चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर RK गुप्ता करते हैं। गवर्नर ने इस मौके पर कहा कि सड़कों पर ट्रैफिक के दबाव के पेश नज़र और सड़क हादसा में कमी लाने की गरज से रोपवेज का क्याम बतौर अर्बन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन काफी हद तक सूदमंद साबित हो सकता है। गवर्नर ने मुतलका महकमों पर जोर दिया कि वो इस सिलसिले में मजीद मीटिंगें मुनक्कद करें ताकि ऐसे रोपवेज प्रोजेक्ट के क्याम के लिए रियासत में मुनासिब इलाकों की निशानदेही की जा सके। मीटिंग के दौरान WAPCOS हुकाम ने रोपवेज के अगराज मकासद के बारे में गवर्नर को कम से कम जगह और कम से कम रुकूमात की जरूरत वगैरह के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1 घंटे में इस निजाम के तहत 1200 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट दीगर रियासतों में शुरू किए गए हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। प्रेजेंटेशन के दौरान गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमंग नरोला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डॉक्टर असगर हसन सामून, सेक्रेटरी सयाहत रिगजिन सैम्फल, सेक्रेटरी मकानात व शहरी तरक्की अनिल कुमार गुप्ता और दीगर अफसरान भी मौजूद थे।